कैथल के बालू गांव में हुए डबल मर्डर मामले में एडीजे संगीता राय सचदेव ने तीन दोषियों को कठोर उम्र कैद और 45,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न देने पर 6 महीने की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। शिकायत पक्ष की ओर से केस की पैरवी डीडीए सुरजीत सिंह आर्य ने की, उन्हें सह अधिवक्ता के तौर पर अर्पित गुप्ता ने सहयोग किया। तो इसमें एक्चुअली 2020 के अंदर एक लिकरबंड बालू है, बालू ठेके के ऊपर मतलब किसी अननोन व्यक्तियों ने और आग लगा दी थी, जिसके अंदर 2 बंदों की डेथ हो गई थी, जिनमें से एक नेपाली सिटीजन था तो और अपना एक लोकल था। तो देयर आफ्टर इन्वेस्टिगेशन हुई और इन्वेस्टिगेशन के अंदर पुलिस ने 3 बंदों को पकड़ा और आफ्टर कंप्लीटिंग द इन्वेस्टिगेशन तो उनको कोर्ट में पेश किया और ट्रायल उनका स्टार्ट हुआ और 28 अक्टूबर को वो गिल्टी होल्ड कर दिए थे और आज डिसीजन आया क्वांटम के ऊपर आया है कि कितनी सजा हुई है। तो 302 के अंदर, 307 के अंदर जो है और कई सेक्शंस के अंदर उनको उम्र कैद की सजा हुई है। बता दें कि इस बारे में शराब ठेकेदार सतपाल की शिकायत पर कलायत थाने में हत्या का केस दर्ज किया गया था। एफआईआर के मुताबिक मई 2020 की रात बालू गांव में शराब ठेके पर सतपाल का पार्टनर कुराड़ का रहने वाला ओम प्रकाश और रसोईया नेपाली युवक भगत खाना खाकर सो गए और सेल्समैन बलिंद्र शराब ठेके में सो गया। इस दौरान अज्ञात लोगों ने दोनों की हत्या कर शवों को शराब ठेके के अंदर डालकर आग लगा दी। अगली सुबह बलिंदर ने सतपाल को फोन पर सूचना दी कि ठेके में आग लगी है। सतपाल तुरंत मौके पर पहुंचा और फायर ब्रिगेड को फोन कर आग बुझाने के लिए बुलाया। फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग बुझाई, बेडरूम से मलबा हटाकर चेक किया तो ओम प्रकाश और भगत नेपाली के अधजले शव बरामद हुए। इसके बाद पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ हत्या, शव को खुर्द बुर्द करने समेत कई धाराओं के साथ केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू की। पुलिस ने हत्यारों का सुराग देने वालों को 50,000 रुपए इनाम देने की घोषणा भी की थी। इसके एक हफ्ते के बाद ही पुलिस ने मामले में जाखोली गांव के रहने वाले संदीप उर्फ दीपू और गुरमीत को गिरफ्तार किया। बाद में पुलिस ने तीसरे आरोपी सत्यवान को भी गिरफ्तार किया। वहीं इस पूरे मामले में कुल 39 गवाह पेश हुए। एडीजी संगीता राय सचदेव ने सबूतों और गवाहों की रोशनी में तीनों आरोपियों को दोषी पाया। सत्य खबर के लिए कैथल से विपिन शर्मा की रिपोर्ट। सत्य सटीक बेबाक।